लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ये सब मार्केट एकदम बूम हो सकता है, ऐसे चीजों को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता और उसके ऊपर उसका आर्थिक जो बेनिफिट होने वाला है गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्यों फोकस नहीं किया जाता? तो इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट होके इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। समझे, जो सामाजिक विभाग है, जो लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, अभी सर्विसेज बहुत उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, लेकिन डे टू डे हर कंप्लेंट को निपटारा करने वाली, उसको इश्यूज सॉल्व करने वाली एक यंत्रणा होनी चाहिए और लोगों को डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक पूरा ऐसा सेट बनाना चाहिए कि जिस सेट से लोगों को उनकी समस्या पूछी जाए और उनको सॉल्यूशन दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि सिडको ने कोई प्लानिंग में सबसे पहले चूक की है। एक सिंपल बात मैं कहूँ आपको कि एक औरत को अपनी डिलीवरी करने का बच्चा डिलीवरी करने के लिए जितनी तकलीफ नहीं होती होगी उससे ज्यादा एक ऑक्यूपेंसी मिलने को, मतलब जहां से एक लैंड परचेस होती है तो एक्चुअली बिल्डिंग बनने के बाद उसका यूनिट बन जाता है और वो बच्चे मतलब जैसे फ्लैट बन जाते हैं, तो वो फायदा करने में जितनी तकलीफ बिल्डर को उससे ज्यादा होती है, ये मैं आपको कहूंगा। दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मशहूर कवि और शायर जावेद अख्तर ने लिखा है कि जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं तो हौसला है और हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर एक दिन जरूर जीतता है। आज हमारे साथ खास मेहमान एक ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने अपने संकल्प और संघर्षों के जरिए तमाम मुकाम हासिल किया है, तमाम समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है। मैं बात कर रहा हूं श्री प्रकाश बाविस्कर साहब की। आप बाविस्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, आप तमाम सामाजिक और संगठनों से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में तकरीबन 20 से 25 साल से निरंतर काम कर रहे हैं और सरकार की पॉलिसीज रियल एस्टेट की मुश्किलों और उसके समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सर, टीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सवाल की शुरुआत इसी से करते हैं कि जैसा आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, तमाम मुश्किलें हैं, ऐसे मुश्किलों को आप किस तरह से देखते हैं, लॉकडाउन के इम्पैक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? लॉकडाउन होना एक नेचुरल कैमिलिटी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इस डिस्कशन में नहीं जाना ज़्यादा अच्छा होता है। और सब लोगों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान कोविड से हटाकर हमारे बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ये मुझे लगता है, क्योंकि जिनका काम कोविड हटाने का है वो लोग यंत्रणा कर रही है, उनका रूल हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो इसके ऊपर ये पूरे देश में क्रमांक 2 या 2 नंबर की ऐसी इंडस्ट्री है कि जो लेबर्स को काम देने का काम मुहैया करने का काम करती है। और इसमें जो लोगों को घर रिक्वायर्ड होता है उसके लिए जो मजदूर काम करते हैं वो मजदूर आज यहाँ पर नहीं है, इसलिए कोई सवाल खड़ा हो रहा है। गवर्नमेंट के ऑफिसेस जितनी भी काम कर रही है, जितना समय मिल रहा है उतना भी काम करने की कोशिश हो रही है और जो तकलीफें हो रही है वो तो अभी नेचुरल है, तो उसको उठाना चाहिए हर पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। जो रियल एस्टेट है ये बड़े पैमाने इकोनॉमी का एक तरह का बहुत बड़ा बैकबोन है रियल एस्टेट, और ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। तो जो ये कोविड काल रहा है इसमें आपको नहीं लगता कि रियल एस्टेट को एसेंशियल सर्विस में मानकर इसको कहीं ना कहीं राहत देने की जरूरत थी?
बिल्कुल इसको देने की जरूरत थी। सबसे पहले बिल्डरों की जो ये इस काम शुरू करने का इम्पोर्टेंस ये है, एक तो लेबर्स, दूसरा बात है कि इकोनॉमी, और तीसरी बात इसमें आती है कि जो 250 से ज्यादा इंडस्ट्री, जैसे कोई आपको एल्यूमिनियम विंडो बिठाना है तो उसकी फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री होती है, अनेक जो यहाँ पे चीजें लगती है उनकी अलग अलग फैक्ट्री जो यहाँ पर चलती है जिसके ऊपर, जब तक ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं कि हर इंसान अपने लाइफ का जो भी पैसा कमाता है, ना कि खाने में 60-70% खर्चा करता है, ना और कोई चीजों में, ना व्हीकल में खर्चा करता है, अपने लाइफ का सबसे ज्यादा एक्सपेंस वो सिर्फ हाउसिंग में खर्चा करता है। तो ये नोट करने वाली बात है। तो इसीलिए खर्चा जब तक नहीं होगा, तब तक मार्केट रोल नहीं होगा, तब तक लेबरों को काम नहीं मिलेगा, तब तक इंडस्ट्री को काम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसमें मेन जो इश्यूज है बिल्डर्स के, वो ये है कि सबसे पहले तो डिमांड रजिस्टर हो चुकी है, गवर्नमेंट को मालूम है कितने घरों की इंडिया में रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, इसीलिए हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये सब गवर्नमेंट सबको प्रमोट कर रही है। यहाँ पे हमारे लोगों ने इस स्कीम में आने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, लोग घर मुहैया करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये उनका बिजनेस बढ़ाने का सवाल है। मगर अगर सरकार एक काम करे कि कौन से एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसको कंप्लाई नहीं कर पा रही है, जो प्राइवेट लोगों की लिस्ट बनाए, उन्होंने जो जो प्लान्स जो परमिशन के लिए सबमिशन किए होंगे, सबमिशन तो जब करेंगे उनके पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा या उस लैंड के वो ओनर होंगे, तो उन्होंने जो यहाँ पे सबमिशन किए हैं उसका असेसमेंट किया जाए, उसका थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम बिल्डर एसोसिएशन गवर्नमेंट के पास जाते हैं और वही रिपोर्ट वही गवर्नमेंट के ऑफिसरों को पूछा जाता है कि इनका क्या है, मतलब जो लोगों की वजह से या कुछ अड़चनों की वजह से सीसी नहीं मिल रही है, ओसी नहीं मिल रही, सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, जो रोड लाइट्स जो गवर्नमेंट का काम है, जो लोकल अथॉरिटीज का काम है, वो नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, यही अगर उनको ही पूछा जाए तो जवाब देने वाला है, नहीं इनका प्रॉब्लम है, इनकी एनओसी नहीं होने वाली, इनका ये नहीं होने वाला, इनके कोई अड़चन है, इसीलिए यहाँ पे उसका कभी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। थर्ड पार्टी ऑडिट कर एक्चुअली क्या मुश्किलें है, ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने में क्या तकलीफें है, ये जब तक आगे गवर्नमेंट के समझ में नहीं आता, तब तक इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं इससे इंपॉर्टेंट बात और एक कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, देन जीएसटी, इसके माध्यम से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर एक 100 एकड़ एरिया डेवलप होता है कहीं, तो आपको 1,000 करोड़ से ज्यादा उसमें इनकम मिलता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज को। इतने बड़े पैमाने पर अगर आपको फंड मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ये सब मार्केट एकदम बूम हो सकता है। ऐसे चीजों को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता और उसके ऊपर उसका आर्थिक जो बेनिफिट होने वाला है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर क्यों फोकस नहीं किया जाता? तो इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट होके इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। समझे, तमाम सारी योजनाएं हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो फुलफिल हो जाए, उसका मिशन पूरा हो जाए, और ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर 75 साल आजादी को हो गए लेकिन आज भी हजारों लाखों लोग बिना बेघर हैं। तो जिस तरह से ये योजना चली थी हाउसिंग फॉर ऑल, आपको लगता है कि पॉलिसीज को लेकर इसमें सबसे बड़ी क्या खामी है कि ये मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है? एकदम सही सवाल आपने पूछा, और जो हमेशा मुझे लगता है कि देखो, डेवलपमेंट एक नेचुरल तरीके से होता है और एक परमिशन लेके होता है। जब मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपको कि कई झुग्गियां होती है जहां पर बाद में उनके प्रतिनिधि आ जाते हैं, पहले तो कोई लैंड का परमिशन नहीं होता, पहले तो कोई बिल्डिंग का परमिशन नहीं होता, वहां पे तो कोई आरसीसी कंसल्टेंट नहीं होता, वहां पे कोई आर्किटेक्चरल डिजाइनर नहीं होता, लेकिन बड़ी बड़ी यहाँ पर झुग्गिया खड़ा होके एक वसाद बन जाती है, एक एरिया डेवलप हो जाता है। वो होने के बाद आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, लाइट दे देते हैं, एमएससीबी वाले अपना कनेक्शन दे देते हैं, सब लोग अपना अपना काम कर लेते हैं वहां पे नेचुरल तरीके से।
और मेरा सवाल यह है कि जो ऑथराइज तरीके से आता है उसको 10 टाइप की अनुसूची दी जाती है, 10 टाइप का अड़चने निर्माण की जाती है, लेकिन अगर ये तरीके से डेवलप करें तो उसको प्रमोशन और ऑथराइज तरीके से करें तो उसको डिमोशन। तो ये पॉलिसी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक एनक्रोचमेंट बढ़ता रहेगा और ऑथराइज तरीके का काम करने जो जाएगा, आज जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर 20 लाख रुपया है एक घर की या 10 लाख रुपया है तो 30-40-50 लाख रुपया हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट एनओसी, डिफरेंट एक्सपेंसेस, डिफरेंट क्राइटेरियाज, वहां पे ऑडिट्स होते हैं, ये सब चीजें होती है, तो उसके लिए करे क्या। अभी मैं खुद रेरा में कंसिलेटर हूँ, मेरे पास कोई डिस्प्यूट्स केसेस आते हैं, तो बहुत ऐसे तरीके से अड़चने हैं जो इजीली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो एनक्रोचमेंट में किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ। एक ही आदमी को वहां पे कंट्रोल करना पड़ता है, जो कंसर्न ऑफिसर। रेरा इसलिए बनाया गया था कि वो रेगुलेट करे कस्टमर्स को और रेगुलेट करे बिल्डर्स को, और इसके साथ साथ जो अथॉरिटीज हैं, प्लानिंग अथॉरिटी हैं, जो परमिशन देने वाली अथॉरिटीज हैं, उनको भी एक रेगुलेट करने के लिए पूरा बॉडी स्ट्रक्चर किया गया। क्या रेरा के आने के बाद आपको लगता है कि इसका फायदा बड़े पैमाने पर, जो इसका मकसद था, वो मकसद पूरा हो रहा है क्या? 100% पूरा हो रहा है। इसका रीजन ये है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब गिरिजा व्यास जी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्टर थी, तो मैं कुछ प्रेजेंटेशन उनके पास लेके गया था, और मैंने उनको, हाउसिंग मिनिस्टर को बैठ के प्रेजेंटेशन में पहला सवाल सब ऑफिसर लोग को यही पूछा था कि लोग जो कॉमन पब्लिक है, वो कॉमन पब्लिक को अगर ऑथराइज घर और अनऑथराइज घर की कैटेगरी करनी होगी तो जिसको सीसी नहीं समझती, जिसको प्लान पास नहीं समझता, जिसको कुछ भी नहीं समझता, ऐसे लोग उस बिल्डिंग में अगर कोई बुकिंग करना चाहते हैं, उस जगह पे कोई घर लेना चाहते हैं, तो इसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए कहाँ जाए? यस, तो क्या वो बिल्डिंग परमिशन में जाए या कहाँ जाए? उसको इतना नॉलेज है वो ड्राइंग पढ़ने का कि ये ऑथराइज है, या लीगल पर्सन के पास जाए कि एग्रीमेंट पढ़ ले कि ये इसका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, इतना तो उसको नॉलेज नहीं होता है। आप एक सिंगल विंडो बताइए कि जहां पर जाके कोई भी कॉमन मैन अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में सर्च कर ले कि सर्टन नंबर मिलने के बाद उसकी, उसको ऑथेंटिकेशन दिया है कि नहीं दिया। ऐसी कोई अथॉरिटी बनाई जाए, ये डिमांड के सब लेटर्स भी मेरे पास आज भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इस सब लेटर्स को। और ये तरीके से हमने वो टाइम में भी डिमांड इस चीज की रखी थी, उन्होंने बहुत से ऑफिसर बनाए, और मैं आपको खुशी की बात ये बता रहा हूँ कि उस मिनिस्टर को मेरा कहना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे 2 दिन वहां पे रुका के, आप जैसे लोग हमारे यहाँ पे, मैं बोला मैडम मैं तो पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई होता नहीं है कि पॉलिटिकली लोग इसमें आ सकते हैं, तो नॉन पॉलिटिकल भी इसमें जिनको नॉलेज है वो एक्सपर्ट हम लोग अपॉइंट करते हैं। तो खुशी की बात ये थी मेरे लिए कि उन्होंने मुझे रुका के मेरा नॉलेज देखकर उन्होंने ये कहा कि आपको राजीव आवास योजना जो था उसमें मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट कमिटी पर बोर्ड मेंबर अपॉइंट कर दिया था उन्होंने, तो ये चीजें उनको उस समय में पसंद आई थी। तो आज जो रेरा सक्सेस हो गया, जो सरकार ने, पिछले सरकार ने, अभी के सरकार ने जो इसके ऊपर फोकस रखा है, तो इसकी वजह से लोगों को, मतलब बिल्डरों को फायदा ये हुआ है कि ऑथेंटिकेशन क्लियर हो गया, कि कौन पर्सन ऑथेंटिकेट है और कौन अनऑथराइज काम कर रहा है, तो कैटेगरी क्रिएट हो गई बिल्डरों की और जमात अलग अलग हो गई, ये समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है, ग्राहकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। जो सबसे बड़ी बात मुंबई में देखने के लिए मिल रही है कि सिडको ने जो नैना प्रोजेक्ट को लॉन्च किया उसमें जो जानकारी है कि उसका रियल प्रेजेंटेशन सबसे पहले आपने दिया था, ये कैसे नैना की शुरुआत हुई जरा बताइए। मैं एक दो बार फॉरेन गया था, तो मैं जब फ्लाइट से कोई विंडो से देखता है तो मुझे ऐसा हमेशा महसूस होता था कि जब मुंबई एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं तो जब मुंबई का दर्शन होता है, आसमान और पानी के बाद अगर कोई कुछ चीज दिखाई देती है तो वो है स्लम। यस, और इतने बड़े मुंबई का इंटरनेशनल नाम होने के बावजूद वो चीजें मेरे हमेशा दिमाग में होती थी। अच्छा, तो हमने क्या किया कि जब एमसीएचआई क्रेडे का सह्याद्री अतिथि गृह पर आदरणीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे, उस समय में मैं यहाँ पे क्रेडे का वाइस प्रेसिडेंट था, तो इस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी एक मनोज श्राप जी थे हमारे साथ, सुनील मंत्री वहां पे प्रेसिडेंट थे, तो
इस जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी जब लास्ट में नवी के सवाल आए, सबसे पहले प्रायोरिटी तो मुंबई को दी जाती है, तो उसके बाद जब नवी के सवाल आए तो सीएम साहब उठ गए थे, तो मैं बोला सर बात करनी है मुझे, तो बोले बोलिए कि क्या करना है। तो हमने वहां पे उनको ये कहा कि जैसे मुंबई की स्थिति है, आप नवी मुंबई के एयरपोर्ट को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन एमएमआरडीए के प्लान की अगर स्टडी की जाए, जो मैंने की एज अ प्लानिंग का पर्सन करके, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि ये पूरे एरिया में G1 और G2 जोन 80% है। अच्छा। 80-90% G1 G2 जोन है, और बाकी के जोन है वो सिर्फ गावठान के 200 मीटर्स में। तो क्या होता था कि जो जुग्गियां वहां पर बनी थी, सेम जुग्गियां यहाँ पर बन सकती है, ये मेरे प्लानिंग का एक दिमाग का पार्ट था कि मुझे ऐसे हमेशा लगता था। अच्छा। तो तब मैंने उनको ये कहा कि सर आप, मैंने सुना है कि आपको कि आप फॉरेन में पढ़े हो, और फॉरेन से जब आपके दोस्त, फॉरेन के जो आपके दोस्त है वो यहाँ पे जब आना चाहते हैं, तो वो जब आना चाहते हैं, तो जब वो आते हैं तो उनको जब समुंदर और ये आसमान खत्म हो जाता है तो उनको क्या दिखाई देता है। तो बोले आप नवी मुंबई के सवाल सॉल्व करने आए क्या, मुझे मुंबई के पूछ रहे। मैं बोला सर मेरा रिलेटेड सवाल है इसलिए मैं आपको पूछा। तो सब लोगों ने वहां पे जो खड़े थे सब लोगों ने बोला कि हमको जुग्गिया दिखाई देती है। तो सब सीएम ने फिर मुझे नोट किया कि ये क्या क्या कहना चाहते हैं, तो इस चीज को उन्होंने नोट किया। वहां पे कंसर्न सेक्रेटरीज थे, और हमने ये भी बोला था कि जब सेंट्रल ने परमिशन दी है, सिडको को भी उस चीज की कंडीशन डाली हुई है कि यहाँ पे सिटी होनी चाहिए, तो हमारा कहना है कि यहाँ पर G2 जोन में अगर जुग्गिया खड़ी हो गई, क्योंकि वो लोग परमिशन को आएंगे आप परमिशन देंगे नहीं, G2 जोन में परमिशन नहीं मिलती, तो वहां पे परमिशन नहीं होगी और शहर ऐसा ही खड़ा होगा जैसे वहां पे जुग्गियों की तरह है। तो उन्होंने वो चीज कैप्चर कर ली। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वो टाइम की न्यूज है 2011 की, जो खुद सीएम इसमें है और मैं उनको खड़े हो गए और उनको मैं ये चीज समझा रहा हूँ, और इसमें वो सब नोट हुआ है। और वहां पे उन्होंने ये डिमांड हमारी प्रोसेस कर 2013 में, मतलब मैं बताऊं 10 जनवरी 2013 को नैना का डिक्लेरेशन करा दिया, और पूरे 20 किलोमीटर के हमारी डिमांड थी, तो 20 किलोमीटर एरिया के हिसाब से जो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज में लिखा है सेम चीज नोटिफाइड हो गई। और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक शहर बनने जा रहा है जो जिसका प्रोजेक्शन हम लोग पुट अप कर पाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। यस बहुत बहुत बड़ी बात अगर कहें तो नैना जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का नोटिफाइड एरिया जो डेवलप हो रहा है, निश्चित तौर पर वो मुंबई से बेटर होगा अगर जिस तरह की संकल्पना राज्य सरकार ने रखी है। सर एक बिल्डर होने के नाते और आप पॉलिसीज को अक्सर ध्यान रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी चला रही है और क्या खामियां हैं। सिडको ने जिस नैना प्रोजेक्ट को इतने तामझाम के साथ पेश किया, और जैसे खुद ये आप लोगों की संकल्पना थी, जो आपकी संकल्पना थी और जो अभी हकीकत में जिस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है नैना क्षेत्र का, उसमें आपको खामियां कहां नजर आती हैं? मैं खामियां तो जो हमारी थी, जो लोगों की यहाँ के बिल्डर है, विकासक है, आर्किटेक्ट है, अलग अलग बिल्डर एसोसिएशंस है, वो सब लोगों ने मिलकर अपनी जो खामियां थी, जब सजेशन ऑब्जेक्शंस मंगाए जाते हैं, करीबन 4000 एप्लीकेशंस लोगों ने दिए हुए थे, लेकिन उस समय के जो कंसर्न MDs और वो लोग थे, उन्होंने उसका स्टडी कर अपने अपने एंगल से, वो अभी उनका एंगल क्या था उस समय में, तो उन्होंने नैना स्कीम इंट्रोड्यूस की, बाद में नैना का जो अप्रूवल्स के लिए गवर्नमेंट के लिए भेजा, तो सबसे पहले 23 विलेजेस उन्होंने भेजे, तो उनको पहले नोटिफाइड हुए थे 270 विलेजेस। अच्छा। उस मतलब 513 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया था, और उसमें जो नोटिफाइड हुआ जो 270 गांव थे, लेकिन 270 गांव के बाद क्या हुआ कि MSRDC का भी प्लानिंग आया, वो भी हमने कुछ समय पहले हमारे पास लेटर से हमने डिमांड की थी कि एक जब इंफ्रास्ट्रक्चर देने का सवाल आता है तो कैसा होता है कि जनरली डेवलपमेंट जो एक्सप्रेसवे होता है या उसके आजू बाजू में होने की कोशिश होती है, तो वहां पर भी हमारी ये डिमांड थी कि एक किलोमीटर ये साइड में, 1 किलोमीटर वो साइड में, ऐसे जो पैरेलल टू द हाईवे, तो ऐसे जगह को आप नोटिफाई कीजिए, ऐसा भी कोई हमारा बहुत पहले डिमांड रही है एसोसिएशंस के, अलग अलग एसोसिएशंस की, तो वो हिसाब से वहां पे MSRDC को अथॉरिटी अपॉइंट की गई। ये एरिया में कम से कम 4 से 5 अथॉरिटी यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा। एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसके बाद नैना अथॉरिटी है, उसके बाद MSRDC है, और उसके बाद पनवेल महानगर पालिका जो हुई, वो पनवेल महानगर पालिका में कुछ गांवों को नोटिफाइड किया गया, और कुछ गांव ऐसे बचे थे कि जो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं थे नैना को ये डिडक्ट करने के बाद, तो वो करीबन जो गांव डिडक्ट हो गए 14 गांव जो उधर के शिल पटाखे
थे और 35 गांव जो थे वो 35 गांव खालापुर के थे। अच्छा। तो इनको भी डिडक्ट किया गया और जो बचा नैना, अभी नेट जो गांव अगर आप देखते हैं तो 175 विलेजेस, मतलब पहले 370 नोटिफाइड हुए थे लेकिन फाइनल 270, हाँ फाइनल अप्रूवल जो मिला है वो 175 विलेजेस का मिला है अभी जो नैना में डेवलप, नैना में जो नैना एरिया में आते हैं। यस यस यस, उसमें 23 विलेजेस में वो लोग टीपी स्कीम बना रहे हैं, जो नैना स्कीम प्रैक्टिकली एक भी आदमी से उसको रिप्लाई नहीं मिला क्योंकि वो लोगों को सुटेबल नहीं थी, सुटेबल नहीं थी ना डेवलपर्स को सुटेबल। तो टीपी स्कीम वहां पर आई और टीपी स्कीम में लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो टीपी स्कीम इंप्लीमेंट हो जाए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 40% ही लैंड नेट लोगों को मिलने वाली है, 60% लैंड सिडको और रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होने वाले हैं। और जो बाकी गांव बचे हैं अभी वो 152 गांव बचते हैं 23 विलेजेस के बाद, तो वो जो 152 विलेजेस है उनको लो डेंसिटी लो डेवलपमेंट का LDZ करके उन्होंने नोटिफाइड किया है। अच्छा। तो उसमें भी हमारी डिमांड है कि आप अगर 23 गांव ही फोकस करेंगे तो बाकी लोगों पे अन्याय हो जाएगा। यस, तो उनको भी डेवलप करने के लिए कोई ना कोई स्कीम आनी चाहिए, और उसका जो लैंड एक्विजिशन होना चाहिए क्योंकि जो रोड्स दिए जा रहे हैं अभी यहाँ पर कैसे है कि सिडको में जो लैंड एक्वायर होती है उसका कुछ पार्ट यहाँ पर सिडको को मिलता है और वहां पे कुछ पार्ट वो लोग लोगों को बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्विजिशन होने वाला है वो 100% लोगों के यूटिलाइजेशन के लिए। अच्छा। क्योंकि एक रोड अगर एक्वायर होगा तो उससे कोई जमीन तो मिलने वाली नहीं मिलने वाली, अगर कोई गार्डन एक्वायर होगा हाँ तो उसका तो जमीन 50% नहीं मिलने वाली, यूटिलिटी लैंड जो होगा, हाँ तो पूरा का पूरा यूटिलिटी है वो पब्लिक के लिए होने वाला है और वैसे परमिशंस वहां पे दिया जाए। और हमारे और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी किया जाए और वहां पे TDR कंज्यूम करने के लिए, यस मेन इंपॉर्टेंट इश्यू वहां पे है कि TDR कंज्यूम करने के लिए ऐसे कंडीशंस डाले गए कि जो TDR कंज्यूम नहीं हो सकता है, उस पॉलिसी पे भी कुछ चेंज लाया जाए कि TDR की वैल्यू क्रिएट हो और जिनकी जमीन एक्वायर हो रही है उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट हो, पैसा मिले, ये हमारा सुझाव उनके लिए है। एक इंटरनल क्वेश्चन है सर, जैसे सिडको ने बहुत सारे शहरों को बसाया, नई मुंबई भी उसमें से एक है, उसके बाद नया रायपुर उन्होंने बसाया, न्यू नासिक, न्यू औरंगाबाद, तमाम सिटी उन्होंने बसाया। अभी रिसेंटली सिडको को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है पालघर को डेवलप करने के लिए। इतने सारे जो शहरों को बसाया गया है उनमें तमाम खामियां हैं जिनको लेकर तमाम आंदोलन चलते रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जब सिडको 50 साल की हो गई है तब उसको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए और अपनी जो खामियां शहरों के विकास में रह गई हैं उन खामियों को दूसरे शहरों के डेवलपमेंट के दौरान उसको ठीक करना चाहिए, नवीन बैकरों के लिए या जहां जहां उसने डेवलपमेंट किया है, जहां सिटी उसने डेवलपमेंट किया है उसके लिए क्या सिडको को अपनी खामियों का व्हाइट पेपर नहीं निकालना चाहिए क्या? ये मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे है। देखो हर सरकार चलती है उनकी अपने असेसमेंट करनी चाहिए, हमारी कंपनी चलती है हमको असेसमेंट करनी चाहिए कि लॉस का हो रहा है बेनिफिट का हो रहा है। वैसे हर इंडस्ट्री का ऑडिट होता है तो वो ऑडिट गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पब्लिक में डिक्लेयर होता है, तो उस ऑडिट में अगर कोई चीजें है तो जरूर उसको रिपेयर होने चाहिए, हर इंडस्ट्री ने करना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि अभी जो MD आए हैं संजय मुखर्जी वो बहुत फास्ट डिसीजन मेकर पर्सन है, और उसके बाद मैं आपको कहूं कि मानकर भी वहां पर आए हैं, तो जो दो जॉइंट MDs है वो दोनों भी बहुत एक्टिव है, ये लोग बहुत फास्ट डिसीजन का काम करने में उनका इतिहास रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति है कि कोविड के कारण शायद वो लोग अभी डिसीजन ले नहीं पाए होंगे, एम्प्लॉई ऑफिस में नहीं है, कुछ चीजें होगी, लेकिन ये मेरा जरूर उनको कहना है कि सबसे पहले विकासकों को बुलाया जाए क्योंकि आप भी एक विकासक है, बेसिकली देखा जाए तो सिडको ही हमारी कॉम्पिटिटर है, तो उनके हम कॉम्पिटिटर है ऐसा अगर हम लोग सोचे, उसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर लैंड है उसको डेवलप करनी है, सिडको अगर सोचती है कि नहीं हम 25-30% हम डेवलप कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है, और डेवलपर उसको लाके अगर 50% कोई डेवलप हो सकती है, ऐसे जॉइंट मिलकर अगर फोर्स लगाया जाए, और अगर इसमें कोई बिल्डिंग परमिशंस में इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने में इशू है, तो इसका एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए कि हम कौन से डेट में कहां जाए।
अभी यहाँ पे अभी आपको बोलूं कि अगर नैना में 175 गांव है, बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। अगर वास्ट एरिया में वर्टिकल डेवलपमेंट करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है, जो डेवलपर प्रैक्टिकली काम करते हैं उनको बुला के उनके सजेशन लेके उसमें सुधार लेके उनको सुधार होना। इस शहर में आपको सिडको ने प्लानिंग में क्या चूक की है, आपको क्या नजर आता है सर? मुझे नहीं लगता कि सिडको ने कोई प्लानिंग में सबसे पहले चूक की है, बिकॉज हम लोग अगर पूरे देश में स्थिति देखें तो यहाँ पर बेटर प्लानिंग है, यहाँ पे पानी मिलता है, यहाँ पे रहने को मिलता है, यहाँ पे सब कुछ चीजें मिलती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब कंस्ट्रक्शन चलता है, कोई पर्टिकुलर चीजें कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लोग रहने आ जाते हैं, फिर दूसरा काम चालू रहता है, उस समय में ये तो चीजें होती है। लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत लोगों ने इन चीजों को कहा है कि जो सामाजिक विभाग है, जो लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, अभी सर्विसेज बहुत उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, लेकिन डे टू डे हर कंप्लेंट को निपटारा करने वाली, उसको इश्यूज सॉल्व करने वाली एक यंत्रणा होनी चाहिए और लोगों को डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक पूरा ऐसा सेट बनाना चाहिए कि जिस सेट से लोगों को उनकी समस्या पूछी जाए और उनको सॉल्यूशन दिया जाए। आप महाराष्ट्रियन बिल्डर्स एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं और लंबे समय से आप बायोस्कर ग्रुप ऑफ कंपनी को लीड कर रहे हैं, महाराष्ट्रियन बिल्डर्स एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता कैसे महसूस हुई? क्या आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी जो है पिछड़ रही है, उसको आपने नेतृत्व देने की कोशिश की, इसके पीछे की संकल्पना क्या थी? देखो, अगर आप पूरे महाराष्ट्र की एक बिल्डर एसोसिएशन बना दें तो जब सबमिशन होता है, कहीं भी गवर्नमेंट में डिस्कशन होता है, वो आधे घंटे का, एक घंटे का होगा। यस, तो पूरे महाराष्ट्र का जो प्रॉब्लम्स है वो एक ही लीडरशिप कैसे उसको इंट्रोड्यूस कर पाएगी, कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सवाल अगर पूरे महाराष्ट्र से निकला जाए तो 200-500 सवाल निकल जाएंगे। देन एरिया वाइज, कैटेगरी वाइज जो इश्यूज होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे पहले जो एसोसिएशन थी उसके पास जब हम गए तब उनके ही नवम्बर के इश्यू उनको सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो हम कामोठे में गए तो कामोठे एसोसिएशन सेपरेट बनानी पड़ी, क्योंकि वहां के इश्यू अलग थे, यहाँ के इश्यू अलग थे। तो इनको, और एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि लीडर और जो एसोसिएशन होती है उनमें आग तब पैदा होती है जब इश्यूज क्रिएट होते हैं, जब उनको तकलीफ होती है। जब मैं यूनियन लीडर जैसे रहा हूँ, जब तकलीफ, मैं जब तक एम्प्लॉय नहीं था तब तक वहां की जो तकलीफ है मुझे समझ में नहीं आती थी। वैसे डेवलपर होके हम जो एरिया में काम करते हैं उस एरिया की जो तकलीफें हैं वो जब तक समझ में नहीं आती तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। अभी ऐसा होता है कि कभी कभी, अभी नवम्बर की अगर रचना डेवलपर्स में आप देखें तो जैसे मुंबई एनएमएमसी एरिया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसके इश्यूज अलग है। आप देन नैना में जाएंगे तो उसके इश्यू, उसके प्रॉब्लम्स अलग है। देन आप अगर खारगर और पनवेल महापालिका के एरिया में जाएंगे तो उनका डीपी अप्रूव नहीं है, वो नहीं है, उनके इश्यूज अलग है। आप एमएसआरडीसी में जाएंगे तो उनकी अथॉरिटी अलग है, उनके इश्यूज अलग है। तो इसके लिए अलग अलग एसोसिएशन बन जाती है। अलग अलग एसोसिएशन बनाने का ये नहीं होता कि लीडरों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन और पब्लिक आखिर में क्या है कि जहां से प्रॉब्लम सॉल्व होता है वहां पे इकट्ठा हो जाती है। शायद मुझे गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस था इसके पहले का, मैं पॉलिसी में ज्यादा विश्वास करता हूँ, पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट भी करके देती है, बहुत सॉफ्ट तरीके से करके देती है। जब यूडी में सेक्रेटरी नितिन करी जी थे, अभी गगरानी सर है जो यहाँ पर थे, तो ये लोग बहुत समस्या समझ के पॉलिसी चेंज करने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे कैसा हो गया कि लोकल जो मराठी लोग थे, जो महाराष्ट्रीयन लोग थे, तो मिस्टर हावरे जी, सुरेश हावरे जी और हम लोग पूरी टीम एक साथ आई, दुदे वगैरह सब लोग थे हम लोग, शेटे, तो हम लोग जब आए तो ऐसा लगा कि हमारे कुछ मुद्दे हैं जो हम हमारे लेवल पे सॉल्व करने चाहिए। तो वो सॉल्व करने के लिए एसोसिएशन, महाराष्ट्रियन एसोसिएशन बनी। अच्छा। कि वहां पे अगर ऐसा नहीं हो जावे कि अब देखो, ऐसा है कि जब एसोसिएशन कोई बनती है तो अपने अपने समाज से भी, अपने अपने सिचुएशन से भी वो सवाल उनके कम्युनिकेशन रहता है। जैसे मराठी में हम लोग जो तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, हाँ। वैसे इंग्लिश वालों, हिंदी वालों और ये कम्युनिकेशन कम होता है, कम होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को कि कम्युनिकेशन बहुत ही गैप होता है, गैप होता है, एक रिलेशन होता है, एक फैमिली रिलेशन होता है। जो रिलेशन बन जाता है तो उसमें डे नाइट बात इस बात पे हो सकती है और वो समाधान के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सर, बायोस्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज के जरिए कहां कहां किस किस तरह से आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, चूंकि लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, कई कुछ योजनाएं अगर आपकी हैं तो वो बताएं। अभी हम
ऐसे बहुत लोग हैं जो रस्ते पे रह रहे हैं, जिनको घरों की जरूरत है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन ऑथराइज घर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इतना टफ फेस से जाना पड़ता है। तो टफ फेस में जाके जब एक सिंपल बात मैं कहूं आपको कि एक औरत को अपनी डिलीवरी करने का, बच्चा डिलीवरी करने के लिए जितनी तकलीफ नहीं होती होगी, उससे ज्यादा एक ऑक्यूपेंसी मिलने को, मतलब जहां से एक लैंड परचेस होती है तो एक्चुअली बिल्डिंग बनने के बाद उसका यूनिट बन जाता है और वो बच्चे मतलब जैसे फ्लैट्स बन जाते हैं, तो वो फायदा करने में जितनी तकलीफ बिल्डर को उससे ज्यादा होती है। ये मैं आपको कहूंगा कि इतने फेजेस में उसको जाना पड़ता है। तो लोग अगर ऑथराइज घर चाहते हैं तो ऐसे फेज में जाके ही ऑथराइज घर बनता है। आज हम लोग बिंदास घूम सकते हैं, बिंदास बात कर सकते हैं, बिंदास हर आदमी को मिल सकते हैं। इसका रीजन ये है कि ऑथराइज काम करेंगे आपको किसी से डर नहीं होगा, लेकिन आप अगर किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे, किसी का पैसा लेने के बाद उसको सप्लाई नहीं करेंगे, डिमांड और सप्लाई ये चीजें अगर समझ नहीं लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये तरीके से हमारा काम चलता है। तो हम ये सोचते हैं कि बीच में मैंने सस्ता दर घर योजना निकाली थी, उसमें भी हमने यही कंसेप्ट रखा था कि लोगों की क्या डिमांड है। सबसे पहले लोगों को लोकेशन कहाँ चाहिए, उसके बाद उनकी सैलरी कितनी है, उसके पास पैसा कितना है और इनका सबका मिला के बजट कितना होता है, डिवाइडेड बाय उसका जो रेट चलता है मार्केट में एवरेज, वो डिवाइड करेंगे तो एरिया बाहर निकलेगा। उस एरिया का प्लानिंग हम लोग हमारे उतने, समझो अभी आपके पास 100 लोग जमा हो गए तो 100 लोग जितने जमा है उतना ही प्लॉट हम लोग खरीद के उनके लिए घर बनाए, मतलब नॉट एज अ बिल्डर, बिल्डर्स सोसाइटीज प्रमोटर, मतलब उस सोसाइटी का एक प्रमोटर बनके काम करना हम ज्यादा पसंद करते हैं। अभी कहाँ कहाँ सर भास्कर ग्रुप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी हम लोग कामोठे, रायगढ़, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हमने पहले ऐरोली में शंकरशिला कॉम्प्लेक्स बनाई थी, उसके बाद हमने कामोठे में फ्लैट्स बनाए। अभी तक 800 से 1000 फ्लैट हम लोग विथ सोसाइटी फॉर्मेशन कंप्लीट कन्वेंस डील करके लोगों को दे के हम लोग ये हुए हैं। अभी हम लोग एक नया प्लान कर रहे हैं, जो एक टाउनशिप बनाने का प्लान कर रहे हैं, उस टाउनशिप के अप्रूवल फेज में हम लोग है। अच्छा। जैसे भी हमारी टाउनशिप का फेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें भी हम लोग एक लॉन्च करेंगे कोविड के बाद। अच्छा, आपने एक योजना पत्रकारों के लिए भी लॉन्च की थी, क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची बात, सफलता कहाँ तक उसमें मिली? तो जब मैं कॉर्पोरेशन में था तभी से 92 से मेरा और उनका लगाव रहा है, और उस लगाव के कारण मैं खुद आकर बोला था कि बिल्कुल पत्रकारों के लिए घर होना चाहिए, और मैंने एम्प्लॉय लोगों के लिए, एनएमएमसी एम्प्लॉय के लिए घर बनाया, मैंने एनएमएमटी एम्प्लॉय के लिए घर बनाया, उनको आज पोजीशन मिला है। जो फ्लैट मैंने 3-3, 4-4 लाख में दिए थे, आज वो लोग खुद वो घर 40-50 लाख में बेच सकते हैं, जो कॉर्पोरेशन के शायद उनको सैलरी से नहीं मिला होगा, वो हमारे प्रोडक्शन से उनको बेनिफिट जरूर हुआ, आज वो सब लोग थैंक्स कर रहे हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूंगा कि मैंने खुद सीएम को लेटर, पीएम को प्रोग्राम था दिल्ली में, मैंने खुद लेटर दिया था, और इस योजना के हाउसिंग फॉर ऑल की योजना में हमारी लैंड और उसके साथ ले लो, और वो लेटर सेक्रेटरी का यहाँ पर गवर्नमेंट में भी आया था, और उसमें हमने कहा था कि अगर ये माड़ा इसको जॉइंट डेवलपमेंट करती है तो हम 150 घर ऐसे लोगों को देंगे जो सैनिक एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी औरत विधवा है, और उस उनको घर देने का हमारा प्लान था, जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारे प्रॉफिट से उनको घर दे सके, ये मेरा फ्यूचर में प्लान रहेगा और आज है, और वैसा राइटिंग में मैंने दोनों गवर्नमेंट को दिया भी है। यस यस, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, आंशिक रूप से देखें तो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं लॉकडाउन की तरह के ही हैं, और अभी ये कब खत्म होगा इसका फेज अभी भी कोई इसकी गारंटी नहीं है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हालांकि हालात सुधर रहे हैं इसमें। ऐसे में रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसको नई ड्राइव देने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को मैं यही कहूंगा कि जैसे बिल्डरों का, पब्लिक का और फैक्ट्री का आप सोचेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा कि अगर आपको साल भर में 5-10-15-20 हजार करोड़ अगर ये क्षेत्र से वसूल करना है, तो आप पूरे महाराष्ट्र के म्युनिसिपैलिटी में सबमिटेड प्रपोजल्स है उनकी लिस्ट बना लीजिए, उनके लिए एक एक कमिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडिपेंडेंट बना दीजिए, और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आप उनको सॉल्व कर दीजिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, उसके उस वजह से यहाँ पे
महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया के लोगों को बड़े पैमाने पर कामगारों को काम मिलेगा, हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट्स को मिलेंगे और सबको घर भी मुहैया होंगे। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, यही मैं कहूंगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेहतर कल हो, सबको आवास मिले और सबको खुशहाली हो, ऐसे राज्य सरकार ऐसा क्या प्रयास करे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि रियल इस्टेट सुधर जाए, उसके हालात सुधर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और सब सबके लिए खुशहाली हो। सबसे पहले मैं समाज को और शासन को, ये दोनों को कहूँगा कि बिल्डर सेक्टर नहीं सुधारना है, बिल्डर सेक्टर सुधारने के बाद 250 इंडस्ट्री सुधारनी है और गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पर इनकम लाना है और लोगों को घर मुहैया करना है, ये चीज़ पर फोकस करो। ये क्योंकि ऐसा बोलने के बाद अरे बिल्डर करोड़पति हो जाता है, कार में घूमते हैं, ये जो समाज के देखने का निगेटिव तरीका है, शासन के देखने का निगेटिव तरीका है, मैं बोलता हूं इसको सिर्फ तरीका बदला जाए कि बिल्डर को इसलिए बड़ा किया जाए कि हमको पैसा चाहिए, बिल्डर को इसलिए बड़ा किया जाए कि हमको घर चाहिए, बिल्डर को इसलिए बड़ा किया जाए कि बड़े पैमाने पर लोगों को घर मिले। सर, बाविस्कर ग्रुप को अगले 2025 में आप कहां देखना चाहते हैं और उसके लिए क्या प्लानिंग है? आम लोगों के लिए यही चाह रहा हूँ कि हर एक आदमी को घर मिले और हमारी कंसेप्ट गवर्नमेंट, सीएम को भी मैंने लिखा है, पीएम को भी लिखा है इसके पहले, और हमारा कहना ये था घर देने का सिंपल तरीका है डिमांड रजिस्टर करके सप्लाई किया जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम लोग पहले सप्लाई कर दें, सप्लाई क्रिएट करते हैं और आपको उसका घर बजट में नहीं बैठता, और ऐसे बहुत से घर है मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं कि अगर 2-5 लाख घर अगर एक मुंबई में खाली है तो 5 लाख घर इंटू अगर आप 1 करोड़ रुपया का भी एवरेज पकड़े तो 5 लाख करोड़ रुपया हमारे इंडिया का वेस्ट है। तो पहले डिमांड और सप्लाई इसका स्टडी करके ही सप्लाई किया जाए। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो जवाब है निश्चित तौर पर और आपके जो सुझाव है वो राज्य सरकार तक पहुंचेंगे। जो मिशन चल रहा है 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का, ये तभी संभव हो सकता है कि जिस तरह से प्रकाश बाविस्कर साहब ने एक सुझाव दिया है कि पहले डिमांड को रजिस्टर किया जाए उसके बाद सप्लाई की जाए, तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा समाधान निकल सकता है। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी1 इंडिया। नमस्कार।